हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आपको यहाँ पर फिर से एक नए टॉपिक में लिया गया है, जिसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपका इससे बेनिफिट जरूर होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। तो सभी के बेनिफिट के लिए यहाँ पर निःशुल्क सुविधा उपलब्ध की जा रही है एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में। आप देख रहे हैं कि एक यहाँ कोशिकांग लिया गया है और कोशिकांग के बारे में ही बात की जा रही है। ये कोशिका है और कोशिका के अंदर आज हम जो है जेनेटिक मटेरियल पे बात करेंगे। जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल यहाँ देखो लिखा गया है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो हर एक कोशिका में, या कह सकते हैं हम यहाँ हर एवरी लिविंग मटेरियल या एवरी लिविंग जीव में जो है सेल्स होते हैं, और सेल्स के अंदर उनके न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, जो सेल को पूरा नियंत्रित करते हैं। और सेल को नियंत्रित करते हैं, इसके साथ साथ उनके सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है, और यही जेनेटिक मटेरियल ही उनके पीढ़ी को आगे ले जाता है। अगर आपको वीडियो की आवाज़ क्लियर ना आए दे या वीडियो साफ ना दिखाई दे, तो आपके वीडियो के एंड पॉइंट पे थ्री आइकॉन दिया होगा, उस आइकॉन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, और वीडियो अगर ना समझ में आए तो ठहर ठहर के दो बार देखिएगा, तो जरूर समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर ये यूकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर आपको बताया जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप होते हैं, मतलब न्यूक्लियस पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। तो यहाँ पर वहाँ के न्यूक्लियस के अंदर से एक क्रोमोसोम लिया गया है। क्रोमोसोम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। यही जेनेटिक मटेरियल है, यही जो है पीढ़ी को आगे तक ले जाता है। क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पर दिखाया गया है जीन या DNA है, जेनेटिक मटेरियल जिसे कहा जाता है। ये जो है पीढ़ी को आगे तक ले जाता है। सबके जो है लक्षण सेम रहे, आकार सेम रहे, और उनका बनावट उनके ही प्रजाति जैसा रहे, तो ये सारी लक्षण धारण करता है, तो जीन धारण करता है। इसके इसमें हम और जानने के लिए नेक्स्ट वाले फोटो में चलते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक गुणसूत्र है। जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन जब होता है, तो कोशिका विभाजन के पश्चात क्रोमैटिड या गुणसूत्र के धागे जो होते हैं अलग हो जाते हैं, और हमें कुछ ऐसी ही संरचना दिखाई देते हैं। DNA फॉर्म में नहीं दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे ही फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो ये जो फॉर्म है या जो ये अवस्था है, तो ऐसे कुछ चार भुजाओं वाली ये अवस्थाएँ हमें दिखाई देती है, या L शेप का दिखाई देता है, तो कई शेप के हमें दिखाई देते हैं। ज़्यादातर जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर ही हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि डिस्कवर्ड बाई वाल्डेयर, कि इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इसकी खोज डिस्कवर्ड बाई वाल्डेयर ने 1888 में किया था, कि 1888 में वाल्डेयर ने इसकी खोज की थी। तो यहाँ पर हम समय ना गवाते हुए आगे चलते हैं कि ये जो है जेनेटिक मटेरियल या गुणसूत्र किसका बना होता है। तो गुणसूत्र बना होता है मेड बाई प्रोटीन एंड हिस्टोन प्रोटीन का, या DNA का, DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन का, ये जो है पूरा जेनेटिक मटेरियल बना होता है। तो अब हम इसके गुणसूत्र या क्रोमोसोम का या जेनेटिक मटेरियल का अगर हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करने के लिए हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में सीखने के लिए यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि स्ट्रक्चर में इसके ऊपर की संरचना जो है, सबसे ऊपरी बाहरी को हम पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकल। इसके ऊपरी संरचना को यहाँ लिख नहीं मिल रहा है, तो इसके ऊपरी संरचना को पेलिकल कहते हैं। तो इसके ऊपरी संरचना को हम पेलिकल कहते हैं, और इसके अंदर जो होते हैं कुछ द्रव भरे होते हैं, जिन्हें हम मैट्रिक्स कहते हैं। कुछ लिक्विड या जो है पदार्थ भरे होते हैं, मैटर होते हैं, जिन्हें हम मैट्रिक्स कहते हैं। उसके स्थान पर ये जो है गुणसूत्र पूरा गुणसूत्र के अंदर या क्रोमोसोम के अंदर दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या धागे नुमा संरचना होती है, जैसे यहाँ हम बीच में देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है धागे नुमा संरचना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके अंदर ये धागे नुमा संरचना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर इसमें भी दिया गया है धागे नुमा ये संरचना है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, यही जो होते हैं क्रोमैटिक, इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमैटिड इन्हें कहा जाता है, धागे लाइक स्ट्रक्चर को या संरचना को। जब हम इन्हें क्रोमैटिड कहते हैं, तो क्रोमैटिड जो होते हैं, ये क्रोमैटिड के ऊपर ही कण समान छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स होते हैं, इसके ऊपर लगे होते हैं लाखों अरबों की संख्या में, उसकी कोई गिनती नहीं होती। तो ये ही कण समान संरचना जो इसके ऊपर लगे होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे इसे कण समान संरचना लगी होती है इसके ऊपर, ऐसे ऐसे
इसके ऊपर ऐसे कण समान संरचना लगी होती है। इस कण समान जो संरचना होती है इसी को कहते हैं जीन। और जीन ही हमने बताया कि जीन ही सारी लक्षणों क्या करता है, धारण करता है। जीन ही सारी लक्षणों क्या करता है, धारण करता है। जीन ही सारी लक्षणों क्या करता है, धारण करता है। तो इसे बताया गया कि इसे आप जीन कहते हैं और यही सारी लक्षणों को धारण करता है। तो गुणसूत्र के स्ट्रक्चर में सबसे बाहरी आवरण या मेम्ब्रेन को पेलिकल कहा जाता है। इसके अंदर कुछ द्रव भरे होते हैं, उस द्रव को मैट्रिक्स कहा जाता है। और मैट्रिक्स जो होते हैं, और जो मैट्रिक्स होते हैं इसके अंदर, उसी में दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम डीएनए कहते हैं या क्रोमैटिड कहते हैं। क्रोमैटिड के ऊपर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम जीन कहते हैं। बार बार ये जो देखिए वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अब इसमें जो होता है एक स्थान पर क्रोमैटिड ये जो होते हैं, कहीं पर दोनों रहते तो हैं साथ में, लेकिन कहीं पर एक दूसरे से संपर्क में नहीं आते हैं या ना ही टच करते हैं। तो ये जो है एक स्थान पर जो है टच करते हैं और वहाँ पर दोनों जो है आपस में मिल जाते हैं। जैसे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये दोनों जो है क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो इस पॉइंट को जहाँ पर मिल जाते हैं इस पॉइंट को सेंट्रोमियर कहा जाता है, सेंट्रोमियर। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि गुणसूत्र में दोनों थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पर मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मिलते हैं उन्हें सेंट्रोमियर कहा जाता है। अब गुणसूत्र की संख्या की बात करें तो गुणसूत्र की संख्या हर एक जीव में अलग अलग होती है। तो जो भी जीव रहे तो उनके अंदर जो है उनकी संख्या जो है हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे कि जिस जीव में है उस जीव में गुणसूत्रों की संख्या सेम रहेगी, बाकी अगर नया स्पीसीज है या नया ऑर्गेनिज्म है तो इसमें जो है गुणसूत्र की संख्या चेंज रहेगी। जैसे कि मनुष्य में या ह्यूमन्स में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, या 46 गुणसूत्र जो है प्रेजेंट होता है। ह्यूमन्स में 46 गुणसूत्र क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और उसके साथ साथ जो है इसे या हम 23 पेयर भी कह सकते हैं या जोड़ी भी कह सकते हैं। तो इसे जो है 23 पेयर या हम जो है जोड़ी भी कह सकते हैं। तो इनके अंदर जो है 23 पेयर या जोड़ी जो है इनके अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो इसके साथ साथ अगर अब इन्हें बात किया जाए कि 23 पेयर होते हैं, तो ऐसे ही हर एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। तो स्कैरिस जीव में जो होते हैं गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। और जो है एक सबसे लार्ज जीव पाया जाता है जिसका नाम, जिसमें 1600 गुणसूत्र होते हैं। एक जीव का नाम है जिसमें 1600 गुणसूत्र होते हैं। स्कैरिस में जो होते हैं 2 गुणसूत्र होते हैं। और इस वीडियो को और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। गुणसूत्र के बारे में और जानने के लिए सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्रों को 7 टाइप में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। अलग अलग बुक में 5 टाइप भी दिया गया है। अगर आपको उसके बारे में सीखना है या जानना है तो वीडियो में कमेंट करें। धन्यवाद।